हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सभी लोगों से केस स्टडी क्वेश्चंस। भाई एमसीक्यू हो चुके हैं, एसएससी रीजन हो चुके हैं, नहीं देखे भाई? साइंस के भी आ रहे हैं, एसएसटी के भी आ रहे हैं, तुम देख नहीं रहे हो क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, नहीं तो फिर आई बटन पर जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट लगी हुई है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे वाली जो वीडियोज हैं वो छूट ना जाए, समझ रहे हो? तो चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखते हैं क्या पूछा है सीबीएसई ने, या फिर सीबीएसई क्या पूछ सकती है आप लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें अब अपन लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने हम लोगों ने क्या मिलकर के केस स्टडी क्वेश्चंस में, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में हम लोगों ने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी कर लिए, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस भी कर लिए। अब बारी आ चुकी है अब हम लोगों की केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करने की। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस बेहद ही जरूरी और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, तो आइए जरा इन सवालों को सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग करने वाले केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, और इनमें एक क्वेश्चन रहता है, थोड़ी सी थ्योरी रहती है, फिर इसके बाद उससे इससे रिलेटेड पांच क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन पांच क्वेश्चंस को मिलकर के किस तरीके से हम खत्म करने वाले हैं, आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास है, टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स यू टू टू ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टू ऑफ योर, मतलब तुम तीनों को कर लिया है, सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी, देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी ऑफ ग्रेड 10th, there are 32 students in section A and 36 students in section B. ठीक है, A वाले में जो है, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से, A वाले में जो है भाई वो है टोटल 32 स्टूडेंट, और B वाले में जो है भाई वो है टोटल 36 स्टूडेंट। ठीक है, तो 32-36 हो गया। What is the minimum number of books you should acquire for the class library so that they can distribute it equally among students of section बी, मतलब कि मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा LCM, क्योंकि मुझे इनका मल्टीपल चाहिए होगा, जहां पर जाकर वो कॉमन आ रहा होगा मैं कट मार दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, 32 को अगर मैं देखूं तो 2 16 2 8 2 4 2 2 और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पर अगर 36 करूंगा 2 18 2 9 3 3 3 1, तो यानी कि 32 की बात करें तो 2 की पावर 5, 36 की बात करें तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अगर LCM की बात करोगे तो वैरायटी सारी लिख दी जाती है विद देयर हाईएस्ट पावर, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यानी कि 32 × 9 आ जाएगा। 32 × 9 आने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि 288 इसका जवाब आ गया, यानी कि सी विल बी योर आंसर। बात खत्म हो गई, चलिए सी हो गया आपका जवाब, आइए जरा अगले सवाल की ओर। कहते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज ट्रू, देन द एचसीएफ कितना होगा इसका। देखिए अभी अभी हम लोगों ने इसका एलसीएम निकाला है बच्चों 288, मुझे पता है कि उनमें से एक नंबर को ए मान लेता हूँ 32, एक नंबर को बी मान लेता हूँ कितना है 36 है। मैं जानता हूँ अकॉर्डिंग टू जिसकी बात हो रही है ये, वो है एचसीएफ इंटू में एलसीएम, ए इंटू में बी, एचसीएफ मुझे निकालना है, तो ए इंटू में भी यानी 32 × 36, एलसीएम कितना होता है भाई डिवाइड में आ जाएगा 288 होता है भाई। ठीक है, इससे इसे कैंसिल आउट करूंगा 9 आ जाएगा, इससे इसे करूंगा 4 आ जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों यहां से 4 आ गया इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो बी जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट जवाब। मतलब हम बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे इसमें, क्योंकि क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इतने सारे सवाल पूछे जाएंगे, इस वजह से छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। तो कोशिश हमको करनी है कि छोटे छोटे सवालों के जवाब हम जल्दी जल्दी देते हुए चलें, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी स्पीड पर भी काम कर सको। यहाँ पर कैन बी एक्सप्रेस, देखिए 36 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने 36 को एक्सप्रेस किया है 2 की पावर 2 में और 3 की पावर 2 में, यही है, और यहाँ पर ए में ही ये चीज दे रखी है, अभी अभी किया था जस्ट हम लोगों ने, अभी भी किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट वन ए में कर रखा है, 7 × 11 × 13 × 15 + 15, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है बच्चों, क्यों, क्योंकि 7 × 11 × 13 × 15 + 15, अब इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 15 आपने कॉमन निकाल लिया, बचा कितना 7 × 11 × 13 + 1 आ गया, 15 तो आप बाहर निकाल चुके हैं। अब मान लीजिए यहां से ये मान लीजिए कोई एक नंबर है x, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कोई नंबर है x, अब ये जो x नंबर है ये सब कुछ करके आ रहा है यहां पर, अब मैंने इसमें से 15 निकाल लिया, भाई प्राइम नंबर क्या होता है, वो 1 से और खुद से, खुद क्या है ये x है, वो 1 से और x से डिवाइड होगा, लेकिन अब ये नंबर बच्चों अगर मैंने 15 कॉमन निकाल लिया, क्या ये 15 से डिवाइड नहीं हो सकता,
तो दो से ज्यादा हो गए, दो से ज्यादा जैसे ही हुए ये क्या बन गया कंपोजिट, तो प्राइम तो ये रहा नहीं, क्या बन गया ये कंपोजिट। वो बोल रहा है ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, नहीं भाई प्राइम प्राइम तो नहीं है लेकिन कंपोजिट तो बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो सी बी विल बी योर आंसर कि भाई ये कंपोजिट होता है, यहीं से आंसर पता चल गया। नहीं तो आप इनकी भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसको भी करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, वो बोल रहे हैं कि पी जो है बच्चों वो ए बी का स्क्वायर दे रखा है, क्यू जो है बच्चों वो ए स्क्वायर बी दे रखा है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम क्या होता है, ए और बी दोनों लिख दिए मैंने, हाईएस्ट पावर लिख देते हैं, दो भी आ गया और ये भी आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों बी इसका आंसर, एलसीएम निकालना है मुझे तो बी विल बी दिस विल बी योर आंसर। देखिए इसी के साथ हमारा केस स्टडी वन जो था पहला वाला क्वेश्चन खत्म भी हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज पूछ ली जाएगी, इतनी बड़ी थ्योरी दे दी जाएगी, फिर उसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको एक नॉर्मल चीज ही दी जाएगी, ठीक है, और आप आराम से उसमें से आंसर निकाल पाएंगे। इवन जो सीबीएसई ने दे रखे थे वो तो बहुत इजी दे रखे हैं, और सीबीएसई ये देखिए ये सीबीएसई के खुद के क्वेश्चन बैंक का भी सवाल है और हम लोगों ने हमारी किताब में भी रखा है। तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं, कुछ इस तरीके की चीजें दे रखी हैं, इन ईच रूम अकोमोडेट, यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, बोल रहे हैं कि सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी में 60 है, इंग्लिश में 84 है, मैथ में 108 है। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि इन ईच ऑफ द रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, छोटे नंबर दे रखे एचसीएफ निकालना। आप समझ लो कि अगर ऑप्शन में जो नंबर दे रखे हैं उनसे बड़ा कुछ दे रखा है एलसीएम निकालना है, उनसे छोटा कुछ दे रखा है तो एचसीएफ निकालना है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर 60, 84 और 108, तो यहां पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 2 2 का 30, 2 15 3 5 5 और 1, यानी कि 60 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5, ठीक है ठीक है। इसको देखेंगे 2 4 2 2 21 3 7 7, यहां आ गया, तो 84 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, 108 को क्या लिख सकता हूँ, 2 5 4 2 2 7 3 9 3 3 3 1, तो यानी कि 108 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 2 3 की पावर 3, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ एचसीएफ निकालने के लिए, हम लोग यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है भाई, मोस्ट कॉमन 2 है और 3 भी है, लोएस्ट पावर कितनी है भाई 2 की 2 है, 3 की लोएस्ट पावर कितनी है भाई यहाँ पर, ये भी 3 है 1 है, तो 2 2 4 4 3 12 12, तो बी विल बी योर आंसर, बी विल बी योर आंसर। अगर मेरे से कोई एचसीएफ मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस इवेंट, तो हमें टोटल अगर मुझे रूम पता करना है तो मुझे एक रूम के अंदर, मुझे देखो मुझे ये तो पता चल गया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम, एक रूम में 12 बैठ जाएंगे, लेकिन टोटल कितने हैं ये, टोटल है भाई ये 108, 84 और 60, जोड़ लो जरा इन्हें, हासिल लगा 1 9 और 6 15, हासिल लगा 1 252। अब एक रूम में कितने बैठ रहे हैं भाई, 12 बैठ रहे हैं, तो 12 बैठ रहे हैं तो इसका मतलब 12 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 21, तो 21 आ रहा है इसका, 21 रूम में बैठ पाएंगे, यानी डी विल बी योर आंसर। क्लियर हो गई जी कहानी। आइए सर, इनका एलसीएम चाहिए भाई, इनका एलसीएम वहीं पर निकाल देते हैं यार, वहां पर हम लोगों ने चीजें कर भी रखी है। एलसीएम अगर एलसीएम चाहिए तो सारी वैरायटी लिखनी पड़ती है, हमें 2 भी लिखना पड़ेगा, हमें 3 भी लिखना पड़ेगा, हमें 5 भी लिखना पड़ेगा, हमें 7 भी लिखना पड़ेगा। 2 की आईएस पावर 2 रहेगी, 3 की आईएस पावर 3 रहेगी, 5 की आईएस पावर 1 रहेगी, 7 की आईएस पावर 1 रहेगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 35 है, 7 5 35, 35 चौक 140, तो 140 इंटू में 3 की पावर 3 है, यानी 27 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 और 27 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 27 और 14 यहाँ पे कर दूंगा, 7 4 28, यहाँ 2 आ गया, 4 2 8, यहाँ पर ये चीज आ गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 दोबारा से, 8 7, और यहाँ आ गया 3, एक जीरो लग गया, 3780 आ रहा है बच्चों। जीरो क्यों लग गया, क्योंकि 140 में एक जीरो भी लगा हुआ था, 3780 आ रहा है, देख लेते हैं 3780 कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है भाई लोग, ए ऑप्शन दे रखा है, और देख लीजिए यहाँ पर ए ही इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम 12 और 3780,
ठीक है, तो 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, करके चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो 0 वहाँ से लगा 1, 7 × 14 वहाँ से लगा 1, आ गया 7, ठीक है। तो 0 8 7 3, 0 6 8 5 13 वहाँ से लगा 1, 15 वहाँ से लगा 1, तो 4, तो 45,360, ये लीजिए डी विल बी योर आंसर, 45,308, 360। अच्छा, इसमें आप ये मत कर देना कि HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 3 नंबर है और 3 नंबर में ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि आप जा करके मल्टीप्लाई कर देंगे LCM और HCF का और उन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है। तो इस बात का सारे बच्चे जो है वो फोकस रख करके ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। आइए जरा 108 को किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, हालांकि मैंने ये बता दिया था अभी, 5 4 54, 2 से करेंगे तो 2 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 3 से करेंगे तो 9 यहाँ आ गया, फिर 3 से करेंगे, तो 108 कितना लिख सकते थे आप, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है डी पे दे रखा है भाई लोग। और इसी के साथ हमारा ये वाला भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए जरा एक और देखिए, कितने इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ बहुत मेहनत नहीं लग रही है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ रहा, इजीली हो पा रहा है। आइए जरा ये देखिए, यहाँ पर पहले मैं इस चीज को सॉर्ट आउट कर देता हूँ। हमेशा आप लोगों को इस तरीके का कोई ना कोई सवाल देखने को मिलेगा, इन सवालों को करने का बेहद ही आसान तरीका ये है, चढ़ते जाइए इनकी मल्टीप्लाई करके ही आए। तो 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 253 आता है, 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई, तो आप उसके लिए क्या करिए 11 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 23 लिखना चाहिए था। 253 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, तो 253 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि ये आ जाए, तो 2530 तो ये यहीं पर आ जाएगा, फिर 253 11 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी 11, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई, अगर आप 253 में अगर आप 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 253, मैं एक बार ट्राई मार लेता हूँ ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए, 8 7, देख लीजिए वही आ रहा है, तो 11 यहाँ आ गया, यहाँ पर 2723। 83 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 3 15 वहाँ से लगा 1, 8 5 40 41, 4 यहाँ आ गया, 7 5 35 और 4 कितना होता है 39, यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13,915, क्लियर। अल्टीमेटली ये चीज बन रही है, अब मुझे पता चल गया मेरी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, ये है 13,915, ये है 11 और ये है 23। तो आइए जरा सबसे पहले बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू 13,915, बी विल बी आवर आंसर, बी है यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट वन वाई की वैल्यू 11 है, हम लोगों ने अभी पता लगा ली थी, ठीक है जी। जेड की वैल्यू 23 है, ये भी हम लोगों ने पता लगा ली थी, ठीक है जी। फिर यहां पर वो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, आप ये बता दीजिए अर्थमेटिक थ्योरम, ये कंपोजिट है क्या, यार कंपोजिट नंबर है, इसमें क्या सोचना है भाई, इतना बड़ा नंबर दे रखा है हमें। और एक बात सोचो ना, एक बात सोचो जरा, एक कॉमन सेंस लगाने वाली बात है इसमें भाई, अगर ये एक नंबर है, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से और एक से डिवाइड हो भाई, ये तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितने सारे नंबर इसकी मल्टीप्लाई के बाद ये बच्चों हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब जाहिर है कि ये कंपोजिट नंबर है ना, इतने सारे अलग अलग नंबर से मिल रहा है हम लोगों को ये, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो आइए जरा इसे भी घोषित कर देते हैं जनता के सामने कि ये कंपोजिट नंबर है, तो ए विल बी योर आंसर। फिर वो बोल रहा है कि इस चीज को भी बताओ हमें, इस 13,915 को करके दिखाओ। अगर 13,915 की बात की जाए ना, तो आप लोगों को मैं बताऊं, 13,915 आपको पता है ये दोनों करके यहाँ पर कुछ आ रहा था 2783, कुछ यहाँ पे आ रहा था, 253 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है इतना आ रहा था, और यहाँ पर 11 आ रहा था, और यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से 23 आ रहा था। तो यानी कि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं चीज़ों को, वैसे तो देखो 23 कहाँ पे दिख रहा है, 23 एक ही बार आ रहा है, बाकी सब में, पहली बार तो 23 सब में दिख नहीं रहा, सिर्फ एक ही में दिख रहा है, यही यही इसका आंसर है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक मिनट, मैं 11 से एक मिनट में देख लेता हूँ कंप्लीट क्या था ये पूरा, मतलब मुझे शायद से ढंग से बनाना नहीं आया, क्योंकि याद नहीं है ना मुझे वो, ठीक है ये देखो 11 यहाँ आ रहा है तो, और 23 यहाँ, 11 यहाँ आ रहा है, 11 दो बार आएगा और 23 एक बार आएगा, 11 दो बार, 23 एक बार, 5 एक बार, देखो जरा
ग्यारह दो बार और 23 एक बार, पहले बस यही चीज नोटिस करो, जहां कहीं पर भी मिल जाए वही आंसर है अपना। 23 एक बार, 11 दो बार, देखो 5 यहाँ दे रखा, तो बस बात बन गई बच्चों, बात ये बन गई हमारे पास, यानी कि सी विल बी अवर आंसर। देखो बच्चों सी आपका आंसर। तो मतलब हल्का सा भी दिमाग लगाना है आपको, आंसर अपने हाथों में मिले, झोली में गिरेंगे आपके, झोली में भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लीजिए बच्चों, 71st रिपब्लिक डे है, परेड है, कैप्टन आर एस मील इज प्लानिंग फॉर परेड फॉलोइंग टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप है आर्मी का ग्रुप है, कॉन्टिजेंट ऑफ 624 मेंबर्स बिहाइंड एन आर्मी बैंड एंड 32 मेंबर्स, ठीक है। सेकेंड ग्रुप ऑफ दिस 468 मेंबर्स एंड 228 मेंबर्स ऑफ बाइकर्स, ठीक है। दीज टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दीज सीक्वेंस ऑफ सोल्जर्स इज फॉलोड बाय झांकीज ऑफ डिफरेंस, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम आर्मी ट्रूप्स, आर्मी ट्रूप्स के लिए आर्मी वालों का एचसीएफ निकाल देंगे हम लोग, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था छोटा नंबर आ रहा है डेफिनेटली, अगर ऑप्शंस में छोटा नंबर फाइंड करने के लिए दिया गया है तो वो एचसीएफ है, अगर बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए दिया गया है उन वो जो नंबर्स दे रखे हैं उनसे बड़े नंबर है तो यानी कि एलसीएम निकालने, क्योंकि वो मल्टीपल निकालने होते हैं तो उनका मल्टीपल होगा तो वो बड़ा होगा, और अगर एचसीएफ निकालना है फैक्टर होगा तो छोटा होगा वो, तो ये कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं। तो आर्मी के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पर 424, 624 तो 2 से करूंगा यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 से करूंगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 से करूंगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8, फिर 2 से करूंगा यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 3 से करूंगा यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 32, ठीक है ना, 32 है ना, 2 की पावर 5 होता है यार, 32 सीधा लिख देता हूँ। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, अब एचसीएफ निकलेगा कैसे, 2 ही कॉमन आ रहा है, लोएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो 16 आ गया ना इसका आंसर, एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 16 आ जाएगा। सिमिलर मुझे 468 और 228, चलो मैं 468 का भी यहीं पे निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आगे ये भी पूछा जाएगा, 2 3 4, 2 1 1 और 7, 3 3 और 9, फिर 3 13, ठीक है 28, 228, यानी कि 2 1 1 4, फिर 3 से करा तो कितना आ जाएगा, नहीं 2 से ही हो जाएगा ये, तो 5 7, फिर 3 से करा तो कितना हो जाएगा 1 9, 19 से करा तो 1। अब एच सी एफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है भाई, 2 भी है और 3 भी है, 2 की लोएस्ट पावर 2 है, 3 की लोएस्ट पावर 1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 आ गया। तो देखिए जरा यहाँ पर देख लो 12 आ रहा है, दैट्स ऑल, बात खत्म हो रही है, हमें बस इतना ही मतलब इससे ज्यादा चीजें ज्यादा पूछी नहीं जाती, नॉर्मल चीजें ही पूछी जाती हैं, हम नॉर्मल चीजों से ही अपना आंसर दे सकते हैं और इजीली इन सभी आंसर्स के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आइए जरा आगे की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच टोटल आर्मी ट्रूप्स एंड सीआरपीएफ ट्रूप्स टुगेदर कैन बी पास्ट, तो टुगेदर मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो भाई कितना हो जाएगा भाई, 4 का डिफरेंस रहेगा ना दोनों में, 1 16 1 12, तो बी विल बी योर आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 का डिफरेंस चल रहा था, तो व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ सीआरपीएफ एंड द नंबर ऑफ बाइकर्स, सो दैट देयर कितने बाइकर्स हटाए जाएं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ये हटाए जाएं, कॉलम्स इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स आर्मी ट्रूप्स, सिंपल है, 4 यहां से हटा दो, क्योंकि 4 का ही डिफरेंस चल रहा था उसमें, ठीक है। द नेक्स्ट वन, व्हाट शुड बी एडेड, अब ऐड करना है, तो भाई वो 16 थे, वो 16 थे तो अब 4 का डिफरेंस चल रहा था तो कितना ऐड करोगे, 4 का डिफरेंस पहले से ही था, 1 ज्यादा था, तो तुम्हें अब 12 जोड़ने पड़ेंगे तभी जाकर के 16 बन पाओगे, तो 12 सोल्जर और 12 बाइकर्स, तो बी विल बी योर आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, इन अ क्लासरूम एक्टिविटी ऑन ऑन रियल नंबर्स द स्टूडेंट्स हैव टू पिक अ नंबर कार्ड फ्रॉम अ पाइल एंड फ्रेम क्वेश्चन ऑन इट, इफ इट इज नॉट अ रैशनल नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास, द नंबर कार्ड पिक्ड अप बाय फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स एंड देयर क्वेश्चंस ऑन द नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास आर एज शोन बिलो। तो आइए जरा बात करते हैं, सूरज है भाई क्लास में एक लड़का, सूरज ने पिक कर लिया रूट 8, रूट 8 क्या होता है भाई, रूट 8 एक्चुअली
टू रूट टू होता है, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इरेशनल आएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो वो विच इज नॉट अ इरेशनल नंबर। तो पूछ रहे हैं ये एक्चुअल में क्या होगा, विच इज इट इज एन इरेशनल नंबर होगा ना, ये एक इरेशनल नंबर होगा। बी इसका आंसर देख लो जरा बी, ठीक है जी। आइए जरा नेक्स्ट वन, फिर कहते हैं श्रेया पिक्ड अप बोनस, बोनस मिल गया उन्हें, एंड हर क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर। अगर आप यहाँ देखेंगे 3 माइनस में 4 रूट 5, भाई ये तो इरेशनल ही है, और इरेशनल में प्लस माइनस कुछ भी करो इरेशनल। रूट 7 इरेशनल, इसमें प्लस माइनस करो इरेशनल। 2 प्लस में 2 रूट 9, अब रूट 9 को आप ना एक मजेदार चीज है कि आप इसको 3 लिख सकते हो, तो 2 प्लस में 6 यानी कि 8, ये तो रैशनल आ गया। वो बोल रहे हैं क्या इरेशनल नहीं है, तो सी इरेशनल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे रूट 11 ये भी इरेशनल है, इन दोनों को जोड़ा जाड़ी कर लो तो भी इरेशनल ही आएगा, ठीक है जी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर दे रखा है रूट 5 माइनस में रूट 10, भाई ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है और दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आप ये कह सकते हैं कि इन दो अलग अलग इरेशनल नंबर को माइनस करने पे वैसे भी इरेशनल ही आता है, तो इट इज एन इरेशनल नंबर। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालने के बाद भी ये क्या मिलेगा, हमें इरेशनल ही मिलेगा, तो बी इसका आंसर होगा करेक्ट, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं, 1/√5, भाई अगर एक रैशनल अपॉन में इरेशनल रख दोगे ना तो भी आंसर इरेशनल ही आएगा, तो इरेशनल विल बी योर आंसर इज एन इरेशनल, बात खत्म हो गई, ठीक है जी। रूट 6 पिक कर लिया हुआ, एंड हर क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर। देखिए भाई ये भी एक इरेशनल नंबर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये तो इरेशनल नंबर है रूट 6, इसके साथ प्लस माइनस कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, 4 × 6 लिखा है, 4 फिर भी सॉल्व होकर के 2 बाहर आ जाएगा, रूट 6 फिर भी रहेगा अंदर, तो ये कहानी यहाँ भी फंसी रहेगी, रूट 6 इरेशनल नंबर में प्लस माइनस कुछ भी करोगे इरेशनल ही रहेगा, तो ये भी इरेशनल है ये भी इरेशनल है, हमें चाहिए नॉट अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखोगे तो ये 25 × 5 लिखा है, मान लो रूट में से 25 बाहर निकल गया तो कितना हो जाएगा 5, लेकिन रूट 5 तो रह गया, अब रूट 5 की वजह से इरेशनल ही रह जाएगा, तो बचा क्या, नन ऑफ दिस, तो डी विल बी योर बच्चों आंसर। क्लियर हो गई कहानी, और इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने खत्म कर दिया इस क्वेश्चन इस चैप्टर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी पूरी तरीके से खत्म कर दिया हम लोगों ने, और ये चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो आई होप आप सभी लोगों को मजा आ गया होगा हर एक सवाल को करने में, हर एक सवाल को करने में आपको बेहद ही मजा आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सो मिलता हूँ बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने क्वेश्चंस के साथ समझाए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही टाइप काम किया है? नहीं भाई, क्योंकि कॉम्पिटेंसी तो अपने साथ असर्शन रीजन भी, एमसीक्यूज भी, और केस स्टडीज भी, मैप वर्क भी, अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो हर एक तरीके क्वेश्चंस लेकर के आ रहा है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको इसी चैनल पर करवा रहे हैं, और डेली आप लोगों के लिए हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की एक नेक्स्ट लेवल पर तैयारी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हम लोग डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, एक भी वीडियो आपसे चूकनी नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर दबा दें। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।